Okay, so assalamu alaikum. In this video, we'll take a look at the muscles of the soft palate. So there are five main muscles of the soft palate, और ये सारे associated होते हैं with the soft palate, of course. So they'll be helping out in the elevation, depression, tension, and so forth of the soft palate. And they will be responsible for the closing the oropharyngeal isthmus so that food might not enter the nasal cavity during swallowing. And in the same way, during speech also, it closes the oropharyngeal isthmus or the separation between the nasopharynx and the oropharynx. Okay, so as you can see, first of all, we have the tensor valley palatini, the levator valley palatini. As the name indicates, it will be tensing and elevating the soft palate. The muscles usually associated with the uvula, and uvula is basically the you can say backward पर एक projection से होती है soft palate की, that is called as a uvula, right? So उसके associated muscle को हम बोलते हैं musculus uvula. Then we have the platopharyngeus and the platoglossus muscle, जो कि platopharyngeal and platoglossal folds भी बना रहे होते हैं on the side of the You can see on the back of the mouth where there is also the presence of the palate and tonsil as well. Okay, so as you can see, the first one, the first two muscles are the levator valley palatini and the tensor valley palatini here, and they both are coming from the base of the skull. जो कि एक आता है स्फीनोइड बोन से और दूसरा आता है फ्रॉम द पीटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से, राइट. इनके हम ओरिजिनल इंसर्शन देखते हैं, देन वी कैन सी के प्लेटोफ्रेंजेस बेसिकली आपके पास फेरिंग्स से आ रहा होता है, एंड देन द प्लेटोक्लोसस भी वहीं पर प्रेजेंट होता है उसके आसपास. ओके, द फर्स्ट मसल इज गोइंग टू बी द टेंसर वाली पैलेटिनी मसल, यू कैन सी हियर, एंड इट्स कमिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, फ्रॉम द ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड बोन, एंड ऑल्सो फ्रॉम द लिटिल पार्ट ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब. वी नो दैट ऑडिटरी ट्यूब इज कम्युनिकेटिंग बिटवीन, इज बेसिकली फॉर्मिंग अ कम्युनिकेशन बिटवीन द मिडल ईयर कैविटी एंड द नेसोफेरिंग्स. सो उसी ऑडिटरी ट्यूब के लिटिल एस्पेक्ट से और साथ ही साथ बेस ऑफ द स्कल पे ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड से आ रहा होता है हमारे पास टेंसर वाली पैलेटिनी मसल, एंड देन डाउनवर्ड्स इट फॉर्म्स अ पैलेटाइन एपिनोरोसिस. ये फ्लैटन आउट होकर पैलेटाइन एपिनोरोसिस बना देता है, जो कि फिर अटैच होता है ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हार्ड पैलेट एज वेल एज ऑन द इन्फीरियर सर्फेस ऑफ द सॉफ्ट पैलेट बिहाइंड द पैलेटन क्रस्ट. सो द अटैचमेंट ऑफ द पैलेटन एपिनोरोसिस सच दैट इट अटैचिंग ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हार्ड पैलेट एंड ऑन द इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट बिहाइंड द पैलेटन क्रस्ट. ये तो हो गया हमारे पास टेंसर वाली पैलेटिनी के अटैचमेंट. देन वी विल सी द लिवर वाली पैलेटिनी, ये भी कैसे कैसे अटैचमेंट लेता है. इट्स ऑल्सो अटैच्ड ऑन द inferior aspect of the skull, but on the pitous part of temporal bone and also on the inferior aspect of the auditory tube. दूसरा अटैच होता है ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ ऑडिटरी ट्यूब. ये अटैच हो रहा है ऑन द इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिटरी ट्यूब एंड ऑल्सो ऑन द पीटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन. देन डाउनवर्ड्स इट विल बी अटैचिंग ऑन टू द सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर सर्फेस ऑफ द पैलेटन एपिनोरोसिस, जो बना था बाय द वे ऑफ द टेंडन्स ऑफ द हमारे पास टेंसर वाली पैलेटिनी. तो उसी टेंसर वाली पैलेटिनी के जो टेंडन था, जो उसका एक एपिनोरोसिस जिसको उन्होंने कहा था दैट इज द पैलेटाइन एपिनोरोसिस, उसी की सुपीरियर एस्पेक्ट पर जाकर हमारे पास ये लिवेटर वाली पैलेटिनी मसल भी अटैच हो जाता है लाइक दिस. सो ये तो हो गया हमारे पास ये दो मसल्स. द नेक्स्ट मसल इज गोइंग टू बी द मस्कुलस यूविले, एंड दिस इज द मस्कुलस यूविले मसल, जो कि बेसिकली अटैचमेंट ले रहा होता है ऑन टू द यूविला, दैट इज अ लोअर एक्सपेंडेड या लोअर प्रोट्रूडेड पोर्शन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, जो हमें नजर भी आता है इफ़ यू लुक एट अवर इनसाइड ऑफ द माउथ, राइट. बैकवर्ड हमें नजर भी आता है प्रेजेंट वहाँ पर. सो दैट मस्कुलस यूविले इज गेटिंग इज ओरिजिन फ्रॉम द पोस्टीरियर नेसल स्पाइन एंड ऑल्सो फ्रॉम द पैलेटाइन एपिनोरोसिस, जो कि बना था फ्रॉम द टेंडन ऑफ द टेंसर वाली पैलेटिनी मसल. एंड कमिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर नेसल स्पाइन एंड द पैलेटाइन एपिनोरोसिस विल बी इंसर्टेड ऑन टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द यूविला. सो इन दिस वे इसकी अटैचमेंट ओरिजिन और इंसर्जन हो जाएगी. नेक्स्ट मसल द प्लेटोग्लोसस मसल. सो यू कैन सी दे आर द फॉर्मेशन टू फोल्ड्स, द प्लेटोग्लोसल फोल्ड एंड द प्लेटोफ्रेंजल फोल्ड ऑन द बैक ऑफ द माउथ, जो कि दोनों फोल्ड्स के दरमियान में हमारे पैलेटन टॉन्सल्स की प्रेजेंस भी होती है. सो दैट इज द फर्स्ट मसल, दैट इज द प्लेटोग्लोसस मसल. एज यू कैन सी कहाँ से आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम द ओरल सर्फेस ऑफ द पैलेटन एपिनोरोसिस. वही पैलेटन एपिनोरोसिस जहाँ पर आकर अटैचमेंट होती है हमारे इन दो टेंडन्स की, वहीं से ये ओरिजिन ले रहा होता है, ठीक है, फ्रॉम द ओरल सर्फेस ऑफ एपिनोरोसिस एंड देन टू डिसेंडिंग इन द फॉर्म ऑफ एन आर्च. जब भी किसी मसल के ऊपर कोई म्यूकस मेम्ब्रेन अटैच हो जाए तो हम बोलते हैं कि आर्च बन गई, ठीक है. सो प्लेटोग्लोस arch is basically that muscle along with the mucous membrane of the mouth, right. So in the form of that arch, it will descend and will be inserting onto the side of the tongue, as you can see here, right. So it is plateoglossal muscle. The next muscle is the platopharyngeus muscle, which as we can see origin leta again from the उसको दो फेसिकुलाई होते हैं बेसिकली. एक होता है उसका एंटीरियर फेसिकुलस प्लेटोफ्रेंजेस को होता है पोस्टीरियर फेसिकुलस प्लेटोफ्रेंजेस. एंटीरियर फेसिकुलस आता है फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट पैलेट, एज यू कैन सी हियर, यहाँ से आ रहा होता है. एंड देन उसका पोस्टीरियर फेसिकुलस आ रहा है फ्रॉम द पैलेटन एपिनोरोसिस, द सेम वे जहाँ से आ रहा है प्लेटोग्लोसल का एपिनोरोसिस या उसका मसल, ठीक है. सो फ्रॉम द पैलेटन एपिनोरोसिस एंड फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हार्ट पैलेट, द बोथ विल बी डिसेंडिंग, बोथ फेसिकुलाई विल बी डिसेंडिंग डाउनवर्ड्स एंड विल बी इंसर्टिंग ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लैमिना ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज एंड ऑल्सो ऑन द वॉल ऑफ द फेरिंग्स नियर इट्स मीडियन रेफे. सो इस तरह इसकी अटैचमेंट हमारे पास फेरिंग्स पर हो रही होती है, थायरॉइड कार्टिलेज पर हो रही होती है. सो ये हो गए सारे मसल्स
as you can see that these two muscles, anterior one called as a plateau glossal, second posterior one is being called as a plateau pharyngeus. दोनों arches बना रहे होते हैं, anterior arch and posterior arch, anterior tonsillar pillar and posterior tonsillar pillar, दरमियान presence होती है हमारे पास palate and tonsil की, right, जो हम अलग से देखेंगे. अच्छा, अब अगर इनकी nerve pair की बात की जाए तो all these muscles except the tensor velipalatini, all other muscles, चाहे वो levator हो, चाहे वो muscle subulae हो, चाहे वो plateau glossus हो या plateau pharyngeus, all these are supplied by the pharyngeal plexus, जिसमें contribution होती है vagus nerve की और cranial component of accessory nerve की, that is cranial nerve 11 और 10 उसमें contribution दे रहे होते हैं, while the tensor velipalatini will be supplied by the mandibular nerve, okay, right. विच इज़ अ cranial nerve 5. ओके, सो अगर इनके एक्शन की बात की जाए, सो एज द नेम इंडिकेट्स, जो हमारे पास टेंसर वेलिपैलेटिनी वो टाइटन करता है या टेंस कर देता है सॉफ्ट पैलेट को, अलॉन्ग विद दैट वो ओपन कर देता है ऑडिटरी ट्यूब, क्योंकि वो ऑडिटरी ट्यूब के लेटरल एस्पेक्ट पर भी अटैच है, तो दैट विल बी ओपनिंग द ऑडिटरी ट्यूब टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड बिटवीन द फेरिंग्स एंड द मिडल ईयर कैविटी एंड विल बी टाइटनिंग द सॉफ्ट पैलेट. सेकंड वन वाज द लिवर वेलिपैलेटिनी, जो कि एलिवेट कर रहा था सॉफ्ट पैलेट को और क्लोज कर रहा था फ्रिंजल इस्थमस को, सो दैट वो ओपनिंग खत्म हो जाए बिटवीन द नेजल कैविटी एंड द ओरल कैविटी. एंड वो भी जो हमारे पास लिवर वेलिपैलेटिनी ड्यू टू इस अटैचमेंट ऑन द ऑडिटरी नियर द ऑडिटरी ट्यूब, वो भी ओपनिंग कर रहा होता है हमारे पास ऑडिटरी ट्यूब की टू इक्वलाइज द प्रेशर. जो मस्कुलस यूविले है हमारे पास मसल, दैट विल बी एलिवेटिंग द या पुलिंग अप द यूविला, उसको अपवर्ड पुल करता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है द प्लेटो ग्लॉसस मसल विल बी पुलिंग आउट. एज यू कैन सी हम रूट ऑफ द टंग पर अटैच हुआ था प्लेटो ग्लॉसस, सॉरी यहाँ पर रूट ऑफ द टंग पर अटैच हुआ था प्लेटो ग्लॉसस मसल, तो जब भी कॉन्ट्रैक्टर विल बी पुलिंग अप द रूट ऑफ द टंग, उसको अपवर्ड पुल करेगा एंड एट द सेम टाइम इट विल बी अप्रोक्सीमेटिंग द प्लेटो ग्लॉसल आर्चेस एज वेल, और साथ ही साथ ही ओरोफेरिंजियल इस्थमस को भी क्लोज करेगा, सो दैट फूड माइट नॉट एंटर इनटू द नेजल कैविटी, राइट. एंड द सेकंड वन द प्लेटो फेरिंजियस मसल, अगर उसकी भी बात की जाए तो दैट विल बी पुलिंग अप द वॉल ऑफ द फेरिंग्स, ये टंग की रूट को अपवर्ड पुल करेगा, ये वॉल ऑफ द फेरिंग्स को अपवर्ड पुल करेगा और उसको शॉर्टन करेगा फेरिंग्स को, जस्ट लाइक द कंस्ट्रिक्टर्स ऑफ द फेरिंग्स, एंड इट विल बी हेल्पिंग आउट ड्यूरिंग द स्वेलिंग प्रोसेस. सो विद दिस नॉट वी डन विद ऑल द मसल्स ऑफ द फेरिंग्स. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज, टेक केयर.